हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। एकादशी आने वाली है, पापा अंकुशा एकादशी। पापा अंकुशा एकादशी को व्रत करने से आपके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो ज्ञात अज्ञात हमारे पाप होते हैं, जिन्हें लेकर हम काफ़ी परेशान रहते हैं, वो सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पापा अंकुशा एकादशी का व्रत करने से केवल आपके पाप नष्ट होते हैं, बल्कि आपके बहुत सारे लाभ होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र हैं, वो बताए हैं कि आप सहस्त्रों पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, एक एकादशी के व्रत के 16वीं कला के बराबर भी वो पूजा पाठ का फल नहीं होता है। इतना विशेष होता है हमें एकादशी का व्रत करना। तो पापा अंकुशा एकादशी का व्रत करना आपके लिए अनेक प्रकार से सुखों को देने वाला होता है। लेकिन ध्यान कुछ विशेष बातों का रखना है कि जैसे एकादशी में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे अपनी पूजा कर रहे हैं, जैसे अपना व्रत कर रहे हैं, भगवान विष्णु का नाम स्मरण और उनका ध्यान आपको करते हुए करना है। एकादशी तिथि की बात करें तो एकादशी हर तरह से पुण्यदायी होती है। एकादशी जो पापा अंकुशा एकादशी है, उसका व्रत आपको किस दिन रखना चाहिए, 13 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को? तो चलिए आप ही जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, एकादशी यानी कि पापा अंकुशा एकादशी शुरू हो रही है वो 13 अक्टूबर को सुबह 9:10 पर। 13 अक्टूबर को 9:10 पर शुरू हो रही है और तिथि समाप्त तो हो रही है सुबह 6:00 के। सुबह 6:14 को सुबह 6:41 पर दिन सोमवार है, तिथि समाप्त तो हो जा रही है। तो इसलिए आपको उदयातिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत करना चाहिए वो करना चाहिए आपको 14 तारीख को। तो 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को निर्विघ्न पापा अंकुशा एकादशी का व्रत आपको धारण करना चाहिए। व्रत में किसी भी प्रकार की कहीं से कोई दुविधा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, एकादशी व्रत में निराहार तो नहीं रहा जाता है, लेकिन फलाहार रहा जाता है। एकादशी व्रत में फलों को खा करके, जल को पी करके व्रत को किया जाता है। एकादशी में किसी भी तरह से अन्न नहीं खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है। तो इन विशेष बातों का आपको ध्यान जरूर रखना होता है। अब चलिए जान लेते हैं एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो सुबह सवेरे जल्दी उठना है, जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना है। पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होगा सुबह 6:31 पर। पूजा के लिए उत्तम मुहूर्त होगा सुबह 6:31 से 7:41 का शुभ मुहूर्त होगा। इस मुहूर्त में ही आपको पूजन अपना करना है। अब बात कर लेते हैं कि पापा अंकुशा एकादशी का व्रत करने वाले को क्या करना चाहिए। तो जैसा कि जो दोस्तों जानते हैं कि 10वीं तिथि से एकादशी का नियम प्रारंभ हो जाता है। तो 10वीं तिथि को आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनना है, नहा लेना है और 10वीं तिथि को जो शाम का आपका भोजन होगा वो सूर्यास्त से पहले आप कर लीजिएगा। और नमक कदापि आपको नहीं खा सॉरी आपको चावल कदापि नहीं खाना है। एकादशी का जो लोग व्रत करेंगे वो जैसे कि एक दिन पहले, जब एकादशी तिथि लग रही है उससे पहले ही तुलसी में जल वगैरह सींच लें। उससे पहले जो चावल खाने वाले हैं उन्हें चावल, जो तिथि मैंने बताई उससे पहले चावल खा लें। बाकी आप अगले दिन सोमवार के दिन एकादशी तिथि जब मनाएंगे तब आपको जल और फल लेकर ही केवल व्रत करना है। जो व्रत नहीं करेंगे वो चावल का त्याग सोमवार को और 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को करेंगे। तो इस विशेष बात का ध्यान रखना है आपको। और अब चलिए जान लेते हैं एकादशी का पारण हमको कब करना है। एकादशी का पारण होगा दोस्तों 15 तारीख मंगलवार को सुबह 6:27 से 7:45 तक एकादशी का पारण होगा। और इस पारण मुहूर्त को आपको नोट कर लेना है और इस मुहूर्त में ही केवल आपको पारण करना है। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल आपके लिए एक दिवाली पे तृतीया आती है, तो दिवाली और अक्षय तृतीया पे आपके लिए धन पोटली जाती है, धन वर्षा पोटली। तो इस बार भी आपके लिए धनदायक पोटली जाने वाली है। अभी भी पोटली लिए हों, 1 साल तक उस पोटली को आप अपने घर में रख सकते हैं। उसके बाद उसको केवल और केवल जल विसर्जन करना है, कोई पीपल के पेड़ के नीचे न रखें, क्योंकि विश्वास मानिए वो सीधे माँ लक्ष्मी है। आए दिन कमेंट में आप लोग देखते हैं और मैं जानती हूँ कि वो पोटली क्या है आपके लिए। तो पोटली को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो इस पोटली को आप अपने लाकर में रख सकते हैं, आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, आप अपने यहाँ तक कि जो आपका बैग होता है, जिस बैग को लेकर आप कोई फील्ड जॉब करते हैं, आप उसमें हर जगह ये पोटली चमत्कार करती है। और इसको केवल और केवल भोलेनाथ जानते हैं और वो लोग जानते हैं जो इसके प्रभाव को जानते हैं। इस साल जैसा कि आप जानते हैं कि पोटली के साथ श्री यंत्र भी आपके लिए जा रहा है, कौन सा बेहतर होगा होता है? एक तो देखिए आता है प्लेट वाला श्री यंत्र, जो बिल्कुल प्लेट की तरह, लाओ मैं खोल लेती हूँ, प्लेट की तरह श्री यंत्र होता है, जो कि आप
देखे होंगे कि प्लेट की तरह होता है, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है। एक होता है पिरामिड की तरह, देखिए जैसा कि मेरे हाथ में है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये मैंने ऑर्डर देकर स्पेशली बनवाया है आप लोगों के लिए। और अगर आप इसके वज़न की बात करें तो ये पूरी तरह से ठोस है, लगभग मैंने वज़न किया तो नहीं लेकिन लगभग 400-500 ग्राम से कम नहीं होगा। और देखिए ये जो पिरामिड वाला श्रीयंत्र होता है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसका महत्व बहुत अधिक होता है। और इस महत्व ये पिरामिड वाला जो श्रीयंत्र है, इससे कहा जाता है धन वर्षा होते, और कहा नहीं जाता है प्रत्यक्ष इसका, जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, तो आप प्रत्यक्ष इसका परिणाम देखेंगे। केवल इस पर हल्दी कुमकुम वो आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहिए, और आप कहिए अगली बार, आप देखिएगा, कहिएगा अगली साल कि दीदी क्या इसका असर रहा। ये साक्षात माँ लक्ष्मी जो इनके सामने खड़े होकर मांग देंगे ना, क्योंकि देखिए केवल पोटली हो, सामान भर देने से कोई पोटली पोटली नहीं बन जाती है। श्रीयंत्र इस तरह से आप रख दिए तो श्रीयंत्र, और क्यों मैं इसको ऑर्डर देके बनवाई हूँ सुनिए, इसको ना पीट पीट कर नहीं बनाया जाता है, जो इसीलिए इसके एक एक चीज़ को ध्यान रखा मैंने, पीट करके नहीं बनाया जाता है। तो बहुत विशेष बातें कहने लगूंगी, वीडियोज लंबी हो जाएंगी। तो होता यह है कि इसको बहुत विशेष तरीके से तैयार भी कराया गया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि ये जो चीज़ें आपके पास पहुँचे तो मुझे बहुत यश मिले, मुझे बहुत नाम मिले और आपका प्यार मिले, बस उसके लिए ये प्रयास जारी है। तो श्रीयंत्र जो है इनके सामने खड़े होकर, क्योंकि इस तरीके से आप निमंत्रित होता है ना, लगभग दोस्तों धनतेरस से लेकर दिवाली तक का जो पूजा इसकी होती है, पूजा विधि, वो यही कारण है कि आप लोग बताते हैं कि वो फायदा, क्योंकि वो पूजा ही अलग होती है। और वो इस बार श्रीयंत्र को, तो कोई भी पोटली हो गई, श्रीयंत्र हो गया, वो उस तरीके से प्रभावी नहीं होता है, लेकिन जब आप उसे अभिमंत्रित कर देते हैं ना, तो उसमें जान आ जाती है, जान। अब ले जाकर के आपको कोई पूजा नहीं करना है, रख दीजिए, हल्दी कुमकुम चढ़ाते रहिए। शुक्रवार शुक्रवार आपका मन करे तो आप इनको पंचामृत से या केवल गंगा जल से स्नान करा दीजिए, और फिर आप इस पे हल्दी कुमकुम केवल इतना मात्र कहिए, एक साल में 101% आपको, यहाँ पे गारंटी दे रही हूँ, दावा कर रही हूँ, आपको जीवन बदलेगा चमत्कारी ढंग से, ये बता देती हूँ आपको। और दूसरी चीज़ है, जैसा कि एक लॉकेट है, एक लॉकेट है जो कि धन वृद्धि लॉकेट है, कहने को तो धन वृद्धि लॉकेट है, लेकिन केवल धन में ही नहीं, जैसे परिवार का कोई सदस्य दूर जाता है, आपको चिंता लगी रहती है, वो सुरक्षित लौटे, उसके लिए भी वो लॉकेट। तो हर तरीके से ये लॉकेट, उसमें जो चांदी का वो होगा, चांदी का एक बॉक्स की तरह होता है, उस पर लक्ष्मी जी की आकृति बनी रहेगी, तो विशेष तरीके से तैयार कराया जा रहा है। ऑर्डर दे दिया है मैंने, उसका सैंपल है नहीं मेरे पास, जैसे ही आ जाता है मैं वो दिखाऊंगी। तो वो चांदी का बॉक्स है और उसी में वो बनाया जाएगा, गले में लाल धागे में आपको पहनना होगा, तो वो चांदी में रहता है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगा। आप उसे सोने के चेन में न पहनिएगा, अगर चांदी की चेन पहनना चाहे तो चांदी में पहनिएगा, क्योंकि चांदी सफ़ेद चीज़ है, शुक्र को आकर्षित करता है, मजबूत करता है। और वो लॉकेट का तो काम ही यह है कि आपके जीवन में कहीं से कोई रुकावट आ रही है धन की, कहीं से आपके पितृदोष के कारण आ रही है, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो सब रास्ते आपके खोल देगा, धन आने के मार्ग खोल देगा। तो इसे कोई भी पहन सकता है, बच्चा भी पहन सकता है, बड़ा भी, बच्चे जैसे पढ़ाई में बुद्धि वगैरह का, मतलब कोई बाधा जो होती है ना, जो रास्ते में रुकावट होती है, वो सारे रास्ते खोल देगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं केवल दावा नहीं करती हूँ, कर दिखाती हूँ, तो इस बार वो मौका है कर दिखाने का, क्योंकि मुझे भी विश्वास है कि जिस तरीके से मैं पूजा करती और कराती हूँ, उस तरीके से निश्चित रूप से किसी के घर ये चीज़ें पहुँच जाए तो चमत्कार करती ही करती है। क्योंकि ये पूजा सारे जो प्रोसेस है वो दिवाली की रात होने वाली है दोस्तों, और दिवाली की रात, और अब आपके मन में आएगा कि ये चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी, तो हर साल की भांति ऑफिस नंबर एक ही नंबर मेरा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं आप, और कम से कम आप अपना नाम नोट करा दीजिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जल्दी ही, हर साल मैंने जब जब ये किया तो मेरा सामान ही खत्म हो जाता है, लोगों की मांग नहीं खत्म होती है हर साल, ये भोलेनाथ जानते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बढ़ाई के लिए, अब उसमें जो कुछ लोग जो मुझे अक्सर बात करते हैं वो नाराज होने लगते हैं, लेकिन आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अगर आप लोगों को लेना है तो कम से कम नाम तो नोट करा दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो एक समय होगा उसके बाद मैं बता दूंगी कि अब जो है नहीं लिया जाएगा। क्योंकि देखिए लेने की ही बात नहीं है, सकुशल आपके घर तक भेजने की बात है, क्योंकि ये चीज़ें ना सकुशल आपके घर तक पहुँचे, ये बड़ा महत्व। तो केवल उतने ही लोगों को मैं सोच रही हूँ लिया जाए, जितने लोगों को हम सभी, हमारा स्टाफ पहुँचा पाए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं बहुत बड़ा स्टाफ
है नहीं मेरे पास। तो जितना मैं और मेरे स्टाफ कर सके केवल उतना ही चीज़ें मैं रखना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑर्डर लेकर के फिर परेशान हो जाना, चीज़ें जा ना पाए, तो ये सब दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब रही बात ये कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें पहुँचने पहुँचने में 1 महीने तक का समय लग जाता है, क्योंकि काम लंबा होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन चीज़ें अच्छे से होती हैं। तो अगमंतित तो दिवाली की रात हो जाएंगी, फिर जैसे जैसे आपके ऑर्डर आए रहेंगे, जैसे मान लीजिए अब कोई किसी का ऑर्डर जो है सबसे लेट में है और वो उम्मीद करे कि सबसे पहले उसको पहुँच जाए, तो ये नहीं हो पाता है। उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके ऑर्डर होते हैं भेजना भी हमें वैसे वैसे ही होता है, तो उसी तरीके से पहुंचेगा। अब लेना ही चाहते हैं कि नहीं हमें अभिमंत्रित श्री यंत्र लेना है, वो पुराने श्री यंत्र को पूजा घर में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, तो उसे रख करके, और इसे जो मैं श्री यंत्र दे रही हूँ इसे तो आपको पूजा घर में ही रखना है, तो आप इसे रखिए और इसका चमत्कार देखिए। 1 महीने में अगर आपकी स्थिति में सुधार न किया तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा। ये इतना बड़ा दावा मैं यूं ही नहीं कर रही हूँ, आप कमेंट में हमको बताइएगा कि ये चीज़ें कैसे और किस प्रकार, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है, सारी